लेड एसिड बैटरी। दोस्तों, इस बैटरी का यूज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। सड़क पर चलने वाले लगभग सभी गाड़ियों में इसका यूज़ होता है। साथ ही घरों और ऑफिस में यूज़ होने वाले इन्वर्टर में इसी बैटरी का यूज़ होता है। अगर आप भी इस बैटरी का यूज़ करते हैं तो आपके दिमाग में भी शायद ये ख्याल आया होगा कि आखिर किस प्रोसेस से ये बैटरी बिजली को बनाता है और स्टोर करके भी रखता है। आज के इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम इसी के बारे में जानेंगे कि एक लेड एसिड बैटरी बिजली कैसे बनाता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक लेड एसिड बैटरी बिजली कैसे बनाता है, तो उससे पहले अगर आप ये जान लेंगे कि एक लेड एसिड बैटरी को बनाया कैसे जाता है, तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। लेड एसिड बैटरी को कैसे बनाया जाता है, इसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 3D एनिमेशन की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाया है कि एक लेड एसिड बैटरी को कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब जानते हैं कि एक लेड एसिड बैटरी बिजली को कैसे बनाता है। लेड एसिड बैटरी में लेड डाइऑक्साइड और प्योर लेड के दो प्लेट होते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड और पानी के घोल में डूबे हुए रहते हैं। इस बैटरी में लेड डाइऑक्साइड वाला प्लेट एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है और प्योर लेड वाला प्लेट कैथोड यानी निगेटिव टर्मिनल का काम करता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला H2SO4, लेड का PB, लेड डाइऑक्साइड का PbO2 और पानी का H2O होता है। इस वीडियो में आपको इन्हीं चार एलिमेंट के केमिकल फार्मूले को याद रखने की जरूरत पड़ेगी। इस एनिमेशन में हम लेड एसिड बैटरी को उसके केमिकल फार्मूला के बेस पे समझेंगे। जब लेड और लेड डाइऑक्साइड के प्लेट सल्फ्यूरिक एसिड में होते हैं तो इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का एटम SO4 H2 से अलग होकर लेड और लेड डाइऑक्साइड प्लेट पर अट्रैक्ट होकर उनके एटम से जुड़ने लगते हैं। इस प्रोसेस में लेड प्लेट के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और टर्मिनल में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। जब इनके बीच में हम कोई लोड जोड़ते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन लेड की प्लेट से निकलकर लेड डाइऑक्साइड के प्लेट पर चले जाते हैं, जिससे लेड डाइऑक्साइड एटम अपने दोनों ऑक्सीजन एटम को फ्री कर देता है। अब ये दोनों ऑक्सीजन एटम SO4 से अलग हुए H2 एटम से जुड़कर H2O यानी वाटर एटम बनाने लगते हैं। जब इस बैटरी से बिजली लेने के लिए हम कोई लोड कंटिन्यू जोड़ देते हैं तो ये प्रोसेस फास्ट तरीके से होने लगता है और बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। जब ये बैटरी पूरे तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है तब बैटरी के सॉल्यूशन में सिर्फ H2O यानी पानी बच जाता है और दोनों प्लेट पर SO4 यानी सल्फर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। डिस्चार्ज होने के बाद जब हम इस बैटरी को दोबारा से चार्ज करते हैं तब ये प्रोसेस धीरे धीरे रिवर्स होने लगता है और बैटरी एक बार फिर से चार्ज हो जाता है। इस तरह से इस बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्ज का प्रोसेस चलता रहता है। चार्ज और डिस्चार्ज होने के कारण टाइम के साथ साथ इस बैटरी के प्लेट घिसने लगते हैं, जिससे इस बैटरी के तल में लेड की एक परत जमने लगती है। इसलिए एक टाइम ऐसा आता है कि ये बैटरी डेड हो जाता है। लेड एसिड बैटरी का लाइफ 5 से 6 सालों का होता है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस की 3D वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।